हाँ, उन्होंने हमको कहा कि वो यहाँ सिर्फ अर्जुन को तलाक देने के लिए आई है, यहाँ के कोर्ट के प्रक्रिया के अनुसार। और उन्हें ये भी कहा कि ये काम में बहुत वक्त लगने वाला है। भाई, जब वो हमसे अर्जुन से अलग होने की बात कर रही थी ना, तो उनकी आंखों में बहुत दर्द देखा हमने। एक पल के लिए हमें भी लगा कि अर्जुन से अलग होने में उनकी भलाई है, लेकिन हमें को ये समझ में नहीं आया कि ये तलाक में काहे वक्त लगेगा। इंडियन कोड के मुताबिक डिवोर्स लेने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। सो अगर वो कनाडा रहेगी तो बार बार उसे यहाँ आना जाना होगा, इसलिए शायद वो यहीं आई जब तक उसका डिवोर्स नहीं हो जाता। भाई, अगर उसको ये सब पता है क्योंकि क्योंकि ये सब में तकलीफ होने वाली है और तब भी वो अर्जुन को तलाक देना चाहती है, तो भाई बहुत सोचा होगा उन्हें इस बारे में। Ovi? पापा, What a pleasant surprise. मुझे नर्स ने बताया कि ओवी नाम की एक लड़की आई है नीचे, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। How nice to see you. कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। पापा, I'm really sorry, मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाई आपसे मिलने। It's all right. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो घर पे आ गया हूँ। प्लस तुम अपने काम में बिजी भी तो होगी। हाँ, लेकिन आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं ना, और मुझे मुझे जब भी आपकी जरूरत पड़ी आप हमेशा मेरे पास थे। पापा, एक बात पूछूं आपसे? ऑफ कोर्स। मेरे और अर्जुन के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या उसकी वजह से हमारा रिश्ता भी अफेक्ट होगा? पापा, मैंने बचपन से आपके और बाबा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझा। इस लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, पर कुछ लोग हैं जो हमेशा से मेरे दिल के करीब रहे, और आप उनमें से एक हैं। ओवी, बेटे, हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम आज भी मेरे लिए मेरी बेटी हो। मेरी बस यही प्रार्थना है कि तुम जो चाहती हो तुम्हें वो मिल जाए। अरे भाई साहब, मेरा वो ऑर्डर, लगते दुकान में कोई है। कोई है? हाँ, मैं। लेकिन अभी खाना खा रहे हैं, हमने सिर्फ थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसका मतलब उनके आने तक मुझे वेट करना पड़ेगा? लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं सामान खुद ही ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, ले लीजिए। ठीक। लेकिन जॉन भी लेंगी, वो किताब में लिख दीजिएगा। अच्छा, मैंने जो भी सामान लिया इस किताब में लिख दिया है, और पैसे भी यहीं पे रख रही हूँ, ठीक है? दादा, एक वॉशिंग पाउडर देना। ओह सॉरी। हाँ, एक मिनट देते हैं। हाँ, क्या चाहिए? एक वॉशिंग पाउडर चाहिए। मैं तो ये वाला ना। जी, ये लीजिए। अच्छा, मैंने भाई साहब का सामान दे दिया और पैसे इसमें लिख दिए, ठीक है? हाय बाबा। अच्छा, वो आप लोग आ गए। ये थोड़े कपड़े। ओवी, यहाँ ये देख, मैं तेरे लिए घर का खाना लेके आई। ओवी, मैं अभी भी तुझसे कह रही हूँ, तू मेरे हाथ का खाना बहुत मिस करेगी, इसलिए बोल रही कनाडा मत जा। भाई प्लीज, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं कनाडा क्यों वापस जा रही हूँ। देख बेटा, तू अकेली वहां जाकर कैसे रहेगी? देख, आज नहीं तो कल तुझे हमारे साथ आकर रहना ही होगा, तो फिर तू क्यों? पापा, मैंने मैंने इस बारे में सच में कुछ नहीं सोचा।
बस अभी मुझे पता है कि मुझे मुझे इंडिया से जाना है, मैं नहीं रह सकती। देख ओवी, हमें सोम ने बताया कि तू इंडिया अर्जुन से डिवोर्स लेने के लिए आई थी। हाँ आई, मैं यहाँ सिर्फ डिवोर्स प्रोसीजर के लिए आई हूँ। आई मुझे मुझे पता नहीं था कि इंडिया में हुई शादी इंडिया में ही टूट सकती है, और जब पता चला तो मैं इंडिया आ गई। जैसे ही डिवोर्स प्रोसीजर ख़त्म होगा मैं वापस कनाडा चली जाऊँगी। वहाँ पे वापस अपना मॉडलिंग करियर फिर से स्टार्ट कर दूँगी। डिवोर्स प्रोसीजर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है ना? पापा मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ही इस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। पर बाबा आपके डिवोर्स और मेरे डिवोर्स में एक बेसिक फर्क है, आप आई से अलग नहीं होना चाहते थे, पर मैं अर्जुन से अलग होना चाहती हूँ और मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। तुझे पता है नोवी कि डिवोर्स के लिए 6 महीने लगेंगे। हाँ मैं जानती हूँ, प्रोसीजर खत्म होने में 6 मंथ्स लगेंगे, और सच कहूँ तो ये 6 मंथ्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। But I hope कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। देख बेटा, ये लीगल प्रोसीजर है, और तू तो जानती है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जानती हूँ बाबा, बट आप दोनों मेरी हेल्प तो कर सकते हैं ना इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। मैं इस रिश्ते में और नहीं रह सकती हूँ, मेरा दम घुटता है। डैड, डैड, हरिका का डैड कहाँ? सर ठीक है सर, तो कभी किस हो गए जी? उनकी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। काम करो, मेरा खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। सर मैडम आई थी, ओवी मैडम आई थी। ओवी यहाँ घर आई थी? जी। कब? कुछ कोई नंबर कोई एड्रेस कुछ छोड़ा तुम्हारे पास? जी नंबर और एड्रेस तो कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन एक पैकेट दे गई। हाय अर्जुन, मैं पापा से मिलने आई थी। जानबूझकर उसी वक्त पे आई हूँ जब तुम घर पर नहीं रहते हो, क्योंकि क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी और शायद मैं ये सब तुम्हारे सामने नहीं कह पाती। एक्चुअली अर्जुन, तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई है, बस वही मुझे लौटाना था, तो इस लेटर के साथ वो चीज भी छोड़कर जा रही हूँ। ये हमारी वेडिंग रिंग है, ये मैं तुम्हें इसलिए वापस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ, बल्कि इसलिए वापस कर रही हूँ क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारी ये रिंग देखकर याद आती है। वैसे मैं तुम्हें कभी भूल तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो है। एक और बात अर्जुन, मैं सच में चाहती हूँ कि हमारे डिवोर्स के बाद तुम्हारी शादी पूर्वी से हो जाए। मुझे अपनी शादी में भुलाना मत भूलना, मैं आऊँगी। और हाँ, मैं आजकल तुम्हारा फोन नहीं उठा रही हूँ, इसका रीजन आई गेस तुम समझ ही रहे होगे। मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकता ओवी, बचपन की दोस्त हो मेरी, बचपन की यादें इतनी आसानी से नहीं भुला सकता। आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ओवी, गुड लक। हाय, बस क्लाइंट्स के आते ही मीटिंग शुरू हो जाएगी, और जैसी मीटिंग खत्म होती है मैं घर के लिए निकल लूंगी, और मैं यहाँ से निकलने से पहले तुझे फोन भी कर दूंगी, ठीक है? चल बाय। ये हमारे मिस्टर खन्ना कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए? वैसे मैंने तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दी। कॉफी क्यों? तुम्हें पता है ना मैं चाय पीती हूँ। आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे चाय चाहिए। सर आपकी कॉफी, मैम आपकी चाय।
ओवी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे टेबल के पीछे योर हस्बैंड इज सिटिंग। से हाय बोल रहे हो? ओवी, तुम्हारे हस्बैंड के साथ जो लेडी बैठी है, क्या तुम उसे जानती हो? हाँ, तो फिर तुम्हें उनसे मिलके आना चाहिए। देखो तो सही, आखिर वो लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? आफ्टर ऑल He's your husband. नहीं, अब अर्जुन मेरा हस्बैंड नहीं है। क्या? लेकिन हाँ, मैंने अभी तक ये सब किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं इंडिया अर्जुन से डिवोर्स लेने ही आई हूँ। लेकिन अर्जुन, अभी वो यहाँ पर है तो तुम्हें उससे जाके बात कर लेनी चाहिए ना। ना ही उसने तुम्हारा फोन उठाया, ना ही वो तुमसे मिली। आई थिंक तुम्हें जाके बात करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं उसे? मैंने नोटिस किया, मुझे देख के भी अनदेखा कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि वो मुझसे मिलना चाहती। ये भी तो हो सकता है कि मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ देख के उसे बुरा लगा। देखो, तुम अगर चाहोगे उससे बात करोगे तो हो सकता है तुम्हारे इनिशिएटिव उसे अच्छा लगे। नहीं, मैं अर्जुन के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। ओवी, क्या अर्जुन की नेक्स्ट गर्लफ्रेंड है? क्या तुम्हारे डिवोर्स की वजह ये है? नहीं पूर्वी, मुझे लगता है कि इन सब चीजों के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं खुश नहीं रख पाया उसे। जो खुशियाँ वो चाहती थी मैं नहीं दे पाया, ना ही तुमसे किया हुआ वादा निभा पाया। फिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं कोशिश कर लेता। Let's go. कैसे शब्द बनाया अंग्रेजों ने? ना लिख पाते, ना समझ पाते, बोल नहीं पाते, आपस में बात कैसे करेंगे? इतने चिढ़ क्यों जाता है सोहम? देख सोहम, अगर तुझे इंग्लिश अच्छे से बोलनी है ना, तो तुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होता, समझा? चल अब लिख। तो देख भाई, अब बखत भी देंगे, अंग्रेजी की बैंड भी बजाएंगे, पूरी सीखेंगे। देख अरे गौरी, आओ अंदर आओ, आओ इधर आओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से घर जा रही थी, तो सोचा आपकी रिपोर्ट्स देती भी जाऊँ। इतनी जल्दी हॉस्पिटल से घर? आज जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, वो मैं पूरी रात भर हॉस्पिटल में ही थी। एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी थी जो पूरी रात चली, और उसके बाद सुबह कुछ पेशेंट्स को चेक करके मैं सीधी चली आई। तो तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं अच्छा जी, मुझे बस अब घर जाना है। वो तो मैं यहाँ आपकी रिपोर्ट्स देने आई, और वैसे आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो तो होंगे ही ना, इतना ख्याल जो रखते थे हमारे का। अच्छा ठीक है, तू चाय नहीं लेना चाहती ना, लेकिन कम से कम पूजा का प्रसाद लेके जाओ, कल रह गया था ना जल्दी जल्दी में, मैं भी लेके आई। बैठ। और मैन
लेकिन एनओटी नहीं, मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? देखो, जब कोई भी हमें अपनी चीज देता है या हमारा कोई काम करता है ना, तो हम उसका आभार जताना चाहते हैं, तो इसके बदले में हम उसे थैंक यू कहते हैं। और अगर वो हमें मेंशन नॉट कहे, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि ये उसका फर्ज था, उसका आभार मत मानिए। अच्छा, ये मतलब वो बताया क्या? थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। लेकिन अभी तोरा ने हमरे को सिखाया कि जब कोनो थैंक यू बोले तब सामने वाला वो नहीं। कल रात तुम मुझे छोड़ने आए ना की बारिश में, और तुमने मुझे उस गुंडे से भी बचाया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तो इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। मेंशन नोट। अरे वाह, तुम तो बड़े जल्दी सीख गए। हाँ, इसमें बहुत मजा आता है, इसे सीख गए जैसे मार कुटाई में मजा आता है, तुरंत सीख जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ 3 चाय पीने की परमिशन दी थी एक दिन में, ये आपका 4th कप है ऑनर। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या आपके घर में 5 साल तक के बच्चे हैं? हाँ हैं। क्यों? दाई, मैं शीला मोरे, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से हम पोलियो कैंप चला रहे हैं और मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। यस। मैं भी इस कैंप के बारे में जानना चाहता हूँ। आपके घर में 5 साल तक का छोटा बच्चा है? नहीं, वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको शायद जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अगर आप मुझे बता दे तो। ठीक है, मैं हमारे बूथ का आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप उस एड्रेस पे आ जाइए। जी। थैंक यू। वेलकम। नहीं ऑनर, अगर तुमने पूर्वी को इस स्कैम के बारे में बताने के लिए फोन किया तो वो समझ जाएगी कि तुम्हें अभी भी परी की चिंता है, लेकिन अगर पूर्वी को पोलियो के डोज के बारे में याद नहीं रहा तो नहीं नहीं, मैं परी की सेहत को लेकर रेस्ट नहीं ले सकता। नहीं ओनर, फोन करने से अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पूर्वी को पता चल जाएगा कि मैंने ये सब कुछ उसकी खुशी के लिए किया है। क्या करूं? बिना पूर्वी को फोन किए ये इन्फॉर्मेशन कैसे उस तक पहुंचाऊं? अरे मेरी परी, तंग मत करना किसी को ज्यादा, ठीक है? अच्छी बच्ची बन के रहना, ओके? चले पुरी। हाँ बाबा, चलिए। बाय तेजू। बाय बाय। क्या हुआ पूर्वी? पता नहीं बाबा, कोई आदमी है पोलियो कैंपेन का पैम्फलेट गाड़ी में डाल के गया है। हाँ, तो वो कैंप में से कोई होगा जो पोलियो कैंप के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया हट जाइए, जोन भी हमरे आगे हमरे को देख सकता है, हट जाइए हट जाइए। भगवान भला करेगा तोरा, अगर हमरा ये गिर गया ना, हम तोरे को जिंदगी से गिरा देंगे। कह रहे हट जाइए, जोन भी हमरे को देख सकता है। प्लीज, ए कौन है, कौन है? ससुराल गुड़बक देख के। धन्यवाद भैया, भंदी जॉन भी है, धन्यवाद। हर बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। अरे कौन था? जॉन भी था, भला आदमी था। अरे धन्यवाद, धन्यवाद भैया। एक चाय देना।
तू यहाँ क्या कर रहा है? हमरी बहन से फिर से रिश्ता जोड़ने आया ना तू? हम तोरे को पहले चेतावनी दे चुके हैं, हमरी बहन के करीब दोबारा आने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी बहन के करीब आने की कोशिश क्यों करूंगा? मुझे और कुछ काम नहीं है क्या? और वैसे भी बहुत पहले हमारा रिश्ता टूट चुका है। अब तो तू यही कहेगा ना, तूने तोरे बुरे वक्त में तोरा साथ दिया और तूने उनके बुरे वक्त में क्या किया? छोड़ दिया उनको। एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मैंने भी उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। अरे